ये iPhone 13, लेकिन अब इसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। मैं लेने वाला हूँ नया आईफोन, क्योंकि इसकी जिद्दे इसको iPhone 13 चाहिए। तो ये एक्चुअली मुझे मेरी सिस्टर को गिफ्ट करना था, बट उसका ऐसा है कि उसको चाहिए तो सिर्फ मेरा ही फोन, जो फोन मैं यूज कर रहा हूँ वही चाहिए उसको। आई नो ये सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, बट इसके पीछे की हिस्ट्री बाद में कभी टच करेंगे। चार दिन पहले गया तो था पूछने के लिए क्या ऑफर है, कैसा ऑफर है। वहां पे जब प्रो देखा तो ऐसा मन किया प्रो ले ले क्या, तो इसलिए आज स्ट्रेट जाना है, जो फोन डिसाइड किए वही उठाना है, इधर उधर भटकना नहीं और बाहर आ जाना। आईफोन लेना है तो लोग इकट्ठा कर, दो लोग और आ चुके हैं, ढोल वगैरह भी होता है तो वो भी ले लेते हैं। पक्का ढोल आईफोन लेने जा रहा है। अभी हम लोग निकल तो पड़े हैं न्यू आईफोन के लिए, लेकिन इसके पीछे जो मगज मारी, जो दिमाग खराब होने वाला था, उसको कोई भी अंदाजा नहीं। हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं दुकान पे। ये बाहर सिर्फ फरसाने लगाने का, अंदर अंदर आईफोन बेचता ही है। सामने जिसको देख रहे हो उन्हीं से आईफोन लेना है, बट क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी तो उनको हमने दोस्त के दुकान पे ही बुला लिया, और अब वो अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करके पूछ रहे हैं कि किसी के पास अवेलेबल है क्या आईफोन का वो मॉडल जो मुझे चाहिए। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद पता चलता है कि जो मॉडल मुझे चाहिए वो अवेलेबल है दूसरे सिटी राड में, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, तो वो फोन आज नहीं आ पाएगा। दो ऑप्शन है मेरे पास, उनके पास जो इकलौता पीस बचा हुआ है येलो कलर में वो ले लूं, या फिर कल तक के लिए वेट करूं। तो मैंने चुना तीसरा रास्ता, दूसरे दुकान पे जाके चेक कर लेते हैं। वहाँ जाके भटकना नहीं था। ये प्रो है, ये अपना वाला है, ये देखिए नेचुरल टाइटेनियम है, ये कलर सही लग रहा है ना। प्राइस ब्लू है ये, कौन सा लूं। आईफोन गिरा दिया इसने, वो भी 15 प्रो मैक्स। मतलब ऐसा हाथ रखा था मैं और ऐसे उठा रहा था हाथ इधर पूछने के लिए, ये लड़के गिर गया। वो भी प्रो मैक्स है, मेरा खानदान बेचना पड़ जाता। प्रो मैक्स ही ले लू कह रहे, अकड़ बकड़ कर ले। तो समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल रहा मैक्स ले, मैक्स 5 साल। बात तो सही बोल रहा है, अगर एक फोन लिया मैंने उसको 3-4-5 साल चलाना है तो एक अच्छा फोन लेते हैं ना, जिसको लेके कोई रिग्रेट्स ना हो उसके MRP को छोड़ के। बोल बादल बोल, सोच सोचने दे। इसको GST वगैरह कट करके कम हो जाएगा। एक चीज तुमको इस वीडियो के अंदर सीखने मिलेगी मेरे बारे में, कि कितना ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता हूँ मैं। फोन खरीदने से पहले थोड़ा और डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं, और फाइनली काउंटर तक पहुँच गए लेकिन लफड़ा हो गया। जो फोन लेना है, मॉडल जो कलर चाहिए उसका एक सिंगल पीस है इनके पास, और वो 5,000 ऑफ होगा क्रेडिट कार्ड पे, और मैं उसका डेबिट कार्ड लेके आया हूँ। क्रेडिट कार्ड घर पे है तो मैं जाके लेके आता हूँ, थोड़ा सा चाबी दे। और घर जाके क्रेडिट कार्ड तो लाना पड़ेगा। अब मेरा मन कर रहा है कि एक बार येलो वाला कलर भी देख ही लेते हैं, क्या पता अच्छा हो तो हाथों हाथ मिल जाएगा। वापस आ गए हम लोग स्ट्रीट मार्ट। अब सही बोल रहा हूँ, इधर जाने पर वापस मन चेंज हो गया ना, अनसब्सक्राइब करेगा और फिर भगा के मारेगा। जिस दुकान में अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ये काम करते हैं, छुट्टी थी लेकिन मुझे चाहिए था तो इसलिए वो शॉप पे आ गए, और मुझे बुरा लग रहा था तो इसलिए अंदर से एक ऐसी फीलिंग थी कि अगर इनके शॉप से लूंगा तो रिडेम्पशन हो जाएगा मेरा। ताली बजा तो रहे हैं लेकिन उसके बाद हमारी जो बजने वाली है ना, आइडिया भी नहीं है तुमको। शाम को बताएंगे आज होगा कि नहीं, आज नहीं हुआ तो फिर कल पॉसिबिली। तीसरी बार वापस आ गए हम लोग एक आईफोन के पीछे, सोच कहाँ से कहाँ। अगर क्रेडिट कार्ड जेब में होता ना तब तक खरीद लिया होता। वहाँ ब्लैक देखा मैंने, मतलब अच्छा लगा लेकिन कुछ ज्यादा ही फिंगरप्रिंट दिख रहे थे उसके ऊपर, तो सोच रहा हूँ यहाँ से निकलू कैसे। फिर बोला अब क्रेडिट कार्ड नहीं, अब चलो निकल ही जाते हैं। तीन शॉप और घंटों घूमने के बाद डिसाइड होता है कि शाम को प्रोबेबली यूनिट मिल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग वापस घर जाते हैं, जाके इंडिया का मैच देखते हैं। बैडमिंटन से वापस आने के बाद जब शाम को शॉप में जाके पूछा तो उन्होंने कहा कल सुबह। प्रॉब्लम ये थी कि कल गणपत का ट्रेलर आने वाला था, फोन मिल जाना चाहिए था या तो ट्रेलर आ जाना चाहिए था, दोनों भी नहीं हुआ। जो सब्सक्राइबर के पास से मुझे लेना था वो नहीं दे पाएगा, वो बोल रहा है कि आप दूसरे स्टोर से जाके ले लो, क्योंकि उसको सामने से जो फोन देने वाला था उसने मना कर दिया। कहा जा रहा है कि पूरे शहर के अंदर कहीं भी स्टॉक नहीं है। तुम देख रहे हो इतनी छोटी सी सिचुएशन, सिंपल इन एंड आउट था लेकिन उसको खींच के ऐसा कर दिया। तो अब दो ऑप्शंस अपने सामने, या तो वेट करो जब आएगा स्टॉक सब्सक्राइबर के पास से ही लो, या फिर आसपास दूसरी दुकान में पूछ लो जो कलर अवेलेबल है वो ले लो। फाइनली एक चीज डिसाइड कर ली और अब जा रहे हैं फोन एकदम पक्का लेके आने के लिए, डर इतना है कि ट्रेलर ना आ जाए। फिर भी रिस्क लेके निकल पड़ते हैं, अगर आ भी गया तो फटाक से वापस आ जाएंगे फोन को बीच में छोड़ के। इसको देखो कच्चे और स्लीपर पे आईफोन लेने आया है। अबे जल्दी चलो ट्रेलर आ जाएगा। उसी स्टोर पे फिर से आए जहाँ पे क्रेडिट कार्ड में लाना भूल गया था, वरना ब्लैक आईफोन मिल जाता। हर बार की तरह डायरेक्ट फोन लेने के बदले बकचोदी करना जरूरी है। इधर का है ना केस देखते, ये कितने का रहे वो आईफोन का, आईफोन का खुद का केस है उनका कंपनी का। 1,000 ये 5,000 का है सच में, पूछते ना अभी कितने का पड़े केस। साल 1,000 हम 5,000 सोच रहे थे,
6000 का फोन केस कौन लेता है भाई। हम लोग यहाँ पे मस्ती करते बैठे हैं, लेकिन एक शौक हमारा वेट कर रहा था लिटरली 10 मिनट पहले। ये स्टोर नंबर 4 की बात हो रही है बाय द वे। और कुछ नहीं चाहिए ना, मोबाइल ही बस। हाँ फोन लेते हैं ना। 128 में ब्लैक होक बोले थे पहले, है अब बोल रहे नहीं है। 128 में पिंक है बस। एक फोन के पीछे इतना दिमाग खराब हो रहा है। कुछ सीन ऐसा है, जिस स्टोर में हम लोग हैं वहाँ पे इन्होंने बोला था ब्लैक है, अब बोल रहे ब्लैक नहीं है, सिर्फ पिंक कलर अवेलेबल है 128 GB। और हमने दूसरे स्टोर में फोन करके पूछा तो वहाँ पे ब्लू कलर अवेलेबल है, जो मेरे को चाहिए था, जिसके लिए कल रुका हुआ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो इसीलिए हम लोग टॉस करेंगे, हेड आया तो ब्लू लेंगे दूसरे स्टोर में जाके, टेल आया तो फिर इधर ही पिंक ले लेंगे। ठीक है, हाथ में पकड़ लेना। हंस कह रहा है भैया, ये लाया पिंक है, पिंक दिया, पिंक दिया, इसके वजह से ले रहा हूँ पिंक में। ठीक, ये पूछता है पिंक लेके कैसा लग रहा है। एक भी कलर नहीं मिला जो चाहिए हो। पहले ब्लैक सोचा था, फिर यहाँ आके ब्लू सोचा, फिर वापस ब्लैक सोचा, फिर यहाँ आके पिंक ले रहा हूँ। सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब मेरा कार्ड नहीं चल रहा है भाई। जैसा लिखा भी लाया नसीब तुम्हारे ऊपर से, कोई पांडु नसीब है। ब्रदर ले दो, लेजर लाओ, पांडु नसीब मिलना चाहिए। मतलब ऐसे एकदम जरूरी है, ऐसा भी नहीं है कि हाँ ठीक है अभी चाहिए, मतलब चाहिए। लेजर में पहले तो नाम से चालू करेंगे, इसका नाम बादल रखेंगे। वहीं से पसंदी लगी है। कार्ड का लिमिट चेक कर लिया उन्होंने, कार्ड पे स्प्रे मार के साफ कर लिया, फिर भी कोई कार्ड नहीं मिला। वही कार्ड काम नहीं है तो 5000 आपको मिलेगा। आइसक्रीम दुकान में हुआ क्या, देख कुछ चल रहा है यहाँ पे काम कार्ड का, कोशिश कर रहे हैं वो। 1242 पता चला सब पैसे कट गए, 5000 ऑफ मिला ही नहीं। पता है मेरा कार्ड क्यों नहीं चल रहा था? क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना था, इसने डेबिट कार्ड दिया है उनको। मन में इतना गाली दिया, बहुत गाली दिया होगा मन में। कार्ड पहुंच रहा है। वो मशीन नहीं चला तो चेंज किया, इधर की मशीन यूज किया, फिर उस पे स्प्रे मारा, क्या क्या नहीं किया। हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हुआ? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। 2 दिन से इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली परचेस हो गया वो आईफोन, वो कलर जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खरीदूंगा। ऑप्शन मेरे पास सारे कलर्स का था, येलो, ब्लैक, ब्लू, लेकिन किस्मत में थी पिंक। तुमको अगर लग रहा है ये मजाक चल रहा है तो नहीं भाई, एक्चुअल में खरीदा ही है वापस, फोन रिटर्न नहीं करने वाला हूँ मैं। बोलना पड़ता है जब अपना डिसीजन रिग्रेट लगने लगे। तेरे वजह से लिया है, ठीक है। इस पे सबसे पहले इनका पिंक नहीं हो गया, ये पुराना हो गया। बारबी चली उसले अपन इसके सपोर्ट में। ओपनहाइमर भी अच्छी लगी थी। चैट में कोई भी पिंक नहीं करेगा। एप्पल और उनकी चमड़ी गिरी, देख लो भाई पिंक है लेकिन उतना पिंक लग नहीं रहा है, इट इज बेसिकली व्हाइट। सिर्फ प्रो में दिया लेटेस्ट वाला पिंक आईफोन और किचन के साथ मैच हो रहा है। ये ऊपर से सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था। मैचिंग किससे ले रहा है? मैचिंग शर्ट भी चाहिए कि नहीं? पिंक हो गया फाइनली। 2000 का केस चिपका रहा था वो नहीं लिया, दूसरे दुकान में आया 300 रुपए वाला फिट किया, मस्त मत जानी लाइफ। कौन सा ये? 15 प्लस। अच्छा ये सॉफ्ट वाला है। एक्चुअल हम तो अभय फोड़ता है अपने सामने जब पूरा फोन खरीद लिया तो। ब्लैक था उनके पास, वो सारे जानबूझ के दिए नहीं। हाँ। जो पीछे वाला अपने को वो सब गाइड कर रहा था ना, वो लोग तो पहले जो एम्प्लॉई हमसे बात कर रहा था वो बोला उसने की है करके। जो दूसरा वाला आया उसने, दूसरा जो फोन दे रहा था ना मैं, उसने इसको आग मार के चुप करा दिया सारे। अच्छा पीछे से वो ये शांति हो गया तब से कुछ बोला ही हाँ, नहीं। हाँ इसीलिए वो हार्ड वर्क दूसरा वाला। धना ने फोन किया था निकलने से पहले कि ऐसे ऐसे है क्या, तो उसने बोला पिंक और ब्लैक है, दो कलर है। पहले बोला ब्लैक है पिंक नहीं बोला, फिर बाद में बोला पिंक भी है आपको दोनों में। उसको शायद ये कलर निकालना था इसलिए ऐसा किया वो। तो ये जो स्टोर है इचल करंजी सिटी का, वहाँ से कोई भी आईफोन मत खरीदना, उल्लू बना दे कस्टमर्स को। फाइनल चीज इतनी याद रखना कि ये कलर मैंने टॉस करके लिया था, मतलब मेरी किस्मत है पांडू बन गया मैं। इसकी जिद है, इसको आईफोन 13 चाहिए तो ये ले। नहीं आईफोन 15 चाहिए। सब बोलो आईफोन 15 देने के लिए।